नमस्कार, वर्ल्ड नाउ न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। आज हमारे साथ ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ मार्शल आर्ट्स के ट्रेनर जुड़ चुके हैं, मिस ऋचा गौर। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। मैम, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए और आपके अचीवमेंट्स के बारे में। मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा जो बर्थ हुआ था, आई वॉज प्री मेच्योर, मेरा बर्थ हुआ था, तो मेरे लिए सर्वाइव करना डॉक्टर्स ने कह दिया था बहुत मुश्किल है, पंडित ने भी कह दिया था। और क्योंकि मैं 8 मंथ में एज ए प्री मेच्योर बेबी अंडरवेट में जो है मेरा बर्थ हुआ था। बट धीरे धीरे कहते हैं डेस्टिनी में क्या लिखा है किसी को कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता था कि मैं प्लेयर से जर्नी स्टार्ट करूँगी, वो भी ऐसी फील्ड जो मार्शल आर्ट्स है, और वहाँ से उठ के मैं आगे इंटरनेशनल खेलूँगी। और इंटरनेशनल खेलने का ही नहीं कि मैंने एज अ प्लेयर भी मैंने अपनी जर्नी पूरी करी है, मेडल जीते हैं राजस्थान के लिए, नेशनल कंट्री के लिए भी, उस जब मैंने अपना ड्रीम देखा। और इसके साथ साथ मैं टाइकोंडो और किक बॉक्सिंग की स्टेट एंड इंटरनेशनल इंस्ट्रक्टर भी हूँ, कोच भी हूँ, और सोशल एंटरप्रेन्योर भी हूँ, क्योंकि मैं इसको सेल्फ डिफेंस को 2 लाख यूथ को, स्टूडेंट्स को, पुलिस को, फोर्सेस को मैं ट्रेनिंग देती हूँ। तो ये जर्नी 5 स्टूडेंट्स से स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद मेरा प्रेसिडेंट अवार्ड भी है, टॉप 100 वुमेन ऑफ इंडिया में भी मेरा नेम है, और ऐसे ही करके ऑलमोस्ट 100 अवार्ड्स, नेशनल स्टेट नेशनल अवार्ड्स जो हैं वो मुझे मिल चुके हैं, और 30-40 मैंने टूर्नामेंट्स मेडल्स जीते हैं। मुआई थाई क्वीन ऑफ इंडिया के नाम से भी मुझे जाना जाता है। और ये जर्नी जो है एज ए हॉबी से स्टार्ट हुई थी, हॉबी से पैशन कन्वर्ट हुई। मैम, जहाँ तक हमने सुना है कि आपको 9 आपको नेशनल अवार्ड मिले हैं और आपको प्रेसिडेंट अवार्ड मिल चुका है, तो मैम ये कब मिला आपको? जब 2012 में मैंने फर्स्ट नेशनल खेला था, और मैं टाइकोंडो और मुआई थाई की दोनों नेशनल्स खेलती थी, कुछ हारे भी कुछ जीते भी। और सबसे बेस्ट ये था कि जिस भी स्टेट में मैं नेशनल खेलने जाती थी, वहीं के कोचेस से मैं एडवांस टेक्निक सीखती थी, तो वो एडवांस नॉलेज भी आ गया, वो स्किल भी आ गया। राजस्थान में इतना टेक्निकल, इतना बड़े लेवल पर नहीं था, तो बाहर से सीखा। और उसके बाद जो मुझे अवार्ड्स मिले 2016 में, मुझे टॉप 100 वुमेन ऑफ इंडिया में मेरा नेम आया, उसमें 25 लाख अराउंड फाइल्स गई थी, तो फाइनल शॉर्टलिस्ट 100 हुई। तो उसके बाद मेरे को लगा कि 100 वुमेन अवार्ड के बाद मुझे लगा कि अब मुझे ये कोचिंग पार्ट क्विट नहीं करना चाहिए, तो मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए। और सक्सेस का एक अलग डेफिनेशन बन गया, सक्सेस सिर्फ एक सैलरी से नहीं होती, सक्सेस एक लाइफ लिंक से भी होती है, सोशल सर्कल से भी होती है। और मुझे सब लोगों ने रिकॉग्नाइज किया, वेदर पुलिस डिपार्टमेंट, वेदर ऑफिसर्स, वेदर एथलेटिक्स, मैंने वुमेन राजस्थान रॉयल्स की गर्ल्स टीम आ रही है, उनको भी एज अ मोटिवेशन स्पीकर, एज अ अपने हर्डल्स जितने भी आए प्लेयर की लाइफ में, जब हम जॉब करते हैं तो फीमेल जब कोई जॉब करती है तो कुछ दिन खराब जाते हैं, कुछ दिन बुरे जाते हैं, उनको बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। और स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स, सब हर्डल्स पार करके बस एक फैमिली का सपोर्ट रहा, वो एक मेन सबसे इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए, कोई भी आप किसी प्रोफेशन में जाए, तो वो कहीं ना कहीं एक आपके लिए एक मेडिसिन की तरह वर्क करता है। इस तरीके से जर्नी चलती गई, और हमने 2 लाख यूथ को हमने ट्रेनिंग दी, ट्रेनर्स भी हैं हमारे पास, वॉलंटियर्स भी हैं, और हमारी इंटरनेशनल अकेडमी है, एफिलेटेड अकेडमी है, तो यहाँ से हम वॉलंटियर्स को भी हम चांस देते हैं। रेफरी जूरी बनने का भी स्कोप है आगे, और अब तो बैचलर इन स्पोर्ट्स, जैसे मैंने बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन भी किया है, तो वो भी मेरा, इसलिए मेरा आगे PhD तक जाता है। तो बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा स्टेट में रह के हार गया तो वो स्पोर्ट्स की पढ़ाई नहीं कर सकता। MBA स्पोर्ट्स का बूम आने वाला है, बहुत एक्सट्रीम MBA स्पोर्ट्स का बूम आने वाला है, गवर्नमेंट जॉब्स में भी, प्राइवेट जॉब में भी, और इसकी एजुकेशन भी है। तो आई एम हैप्पी कि मैं एशियन ओलंपिक क्वालिफायर भी बनी, आई एम हैप्पी कि मैं स्पोर्ट्स की स्टडीज़ भी कर रही हूँ, और अपनी पसंद का वर्क मैं कर रही हूँ, और वुमेन एम्पावरमेंट ऑटोमेटिकली मेरे लिए, गर्ल्स के लिए है सॉफ्टवेयर में, वो भी प्रमोट है। मैम, ऐसे एज ए मार्शल आर्ट्स में मैम फाइटिंग स्टाइल कितने प्रकार के होते हैं? देर आर 200 टाइप्स ऑफ फाइटिंग स्टाइल्स, एक मार्शल आर्ट में ऑलमोस्ट 200 फॉर्म्स हैं, जिसमें जैसे किक बॉक्सिंग है, जूडो है, कुंग फू है, वुशू है, मुआई थाई है, ऐसे करके रेसलिंग है, 200 स्टाइल्स हैं, जिसमें से हमने 3 मार्शल आर्ट्स को सेलेक्ट करा है। टाइकोंडो ओलंपिक स्पोर्ट है, किक्स से रिलेटेड ये मार्शल आर्ट है, और इसका थोड़ा सा कम स्ट्रेंथ से रिलेटेड किक्स ये फॉर्म है। सेकंड मार्शल आर्ट फॉर्म है मुआई थाई, इसको किंग ऑफ ऑल मार्शल आर्ट भी कहा जाता है, और इसमें एल्बो है, एल्बो से भी अटैक करते हैं, नीचे भी अटैक करते हैं, किक्स एंड पंच भी करते हैं, और थ्रो भी करते हैं।
तो ये एक पावरफुल मार्श फॉर्म है। थर्ड है इसराइली मार्शल आर्ट क्राव मागा, जिसमें हम इन तीनों को मिक्स करके जब डिलीवर करते हैं वेपन से बचना, तो जब मैं लॉक से बचूंगी तो ही मैं फाइट करूंगी, तो ही मैं किक मारूंगी। अगर मेरा हाथ ही नहीं खुले तो मैं किक कैसे मारूंगी पीछे, और या फिर मुझे कोई पीछे से अटैक कर रहा है और लेकिन मैंने सिर्फ किक या पंच ही सीखा तो पंच तो सीधा जाएगा, तो इसमें एल्बो अटैक पीछे भी है। तो ये पूरा फ्री स्टाइल सर्वाइवल टैक्टिक्स मैंने खुद रिसर्च करके और भी इंटरनेशनल कोचेज हैं मेरे, उनसे सीख के, बेंगलोर हैदराबाद थाईलैंड के बाहर के कोचेज हैं उनसे ट्रेनिंग लेके, और जो मैं बॉयज़ के साथ फाइट कर चुकी हूँ वो एक्सपीरियंसेस जो थे मेरे बचपन के वो सब करके मॉड्यूल, आज ये मॉड्यूल राजस्थान फिजिकल एजुकेशन टीचर्स 500 फिजिकल टीचर्स को मैंने ट्रेनिंग दिया, वो आगे लाखों को सिखा रहे हैं। 500 पुलिस कॉन्स्टेबल्स को मैंने ट्रेनिंग दिया, राजस्थान गवर्नमेंट पुलिस कॉन्स्टेबल, वो आगे लाखों गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को सिखा रहे हैं। तो कितना एक्सट्रीम कवर हो रहा है, और मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ डेफिनेटली इस ऑडियंस को पता चले, बाहर आए, रिकॉग्नाइज्ड हो, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन है, और अभी भी जयपुर का जो क्राउड है वो कहीं ना कहीं सोया हुआ है, अवेयर नहीं है। जैसे कोविड आया तो इम्यूनिटी के लिए सब अवेयर हो गए, हमारे कोर्स में हाफ एन आवर फिटनेस भी है, हाफ एन आवर अटैक भी है, हाफ एन आवर सेल्फ डिफेंस भी है, तो तीनों है, और कुछ योगा भी हमने मेडिटेशन भी ऐड कर दिया है। तो अब ऑल इन वन करके हम ये जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने अलग अलग टुकड़ों में सीखा, हम वो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ये चीज़ सीखे, और पेरेंट्स भी आते हैं टच वुड, हमारे पास पेरेंट्स भी सीख रहे हैं, इसकी कोई एज बार है नहीं। मैम जैसे कि आजकल के युवा जैसे कि जिम में ज़्यादा समय दे रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग जिम बेटर या फिर अगर उनको प्रोफेशन करना है, बॉडी बिल्डिंग करनी है या मेडल जीतना है, तो वो उस प्रोफेशन पे स्टिक रहे। अगर उनको अगर रनिंग का टाइम नहीं है, बेसिकली जो रनिंग का टाइम निकाल पाते हैं, हार्ड एंड फास्ट लाइफ होती है, तो 40 मिनट्स का वो जिम करते हैं, वेट ट्रेनिंग से फिर कैलोरीज जल्दी बर्न होती है, रनिंग में भी बर्न होगी पर नेचुरली होगी, तो दोनों का अलग अलग एक बेनिफिट है। तो मेरे हिसाब से अगर वो मार्शल आर्ट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे तो कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर आप पिटोगे भी, यहाँ पर आप मार भी खाओगे, यहाँ पर आप पीटना भी सीखोगे, ऑडियंस के सामने फाइट भी करोगे मैच में, रिंग में, तो आपका स्टेज फियर भी चला गया, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है। अभी हमारे स्टूडेंट्स क्यों इतने खुश हैं, क्योंकि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, मीडिया कवरेज भी देते हैं, स्कूल के स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, जवाहर कला केंद्र में हमने परफॉर्मेंस दी, नुक्कड़ नाटक करके, सेल्फ डिफेंस का बताया, ओवरऑल डेवलपमेंट है। हमारे साथ टूर पे जाते हैं बच्चे, अपने आप छोटे से बच्चा अपना बैग पैक करना सीख जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो मेच्योरिटी आती है। जितना कहते हैं ना, जितना आप ट्रैवल करते हो उतना सीखते हैं। मैंने भी शायद 28 स्टेट्स घूम लिए हुए हैं, तो आई थिंक अकेले ट्रैवल किए कुछ को, अब तो चलो ग्रुप है, तो वो ओवरऑल एक्सपोजर है। वैसे मैम आप हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी, अभी कोविड से सब लोग टफ टाइम से निकले हैं, सबका लॉस भी हुआ है बिजनेस में, ऑफिस में, तो मैं यही कहूँगी कि आप एक अपनी हॉबी ज़रूर रखिए, चाहे आप इवनिंग में स्विमिंग कर लें 3 डेज, बैडमिंटन कर लें, एक हॉबी ज़िंदा ज़रूर रखिए, और अपने अंदर का बचपना जो है चाइल्डिश बिहेवियर वो भी रखिए। मतलब आप वो मैंने देखा है कि लोग ऐसे पब्स में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, घूमना फिरना अच्छी बात है, और नेचर के जितने आप क्लोज रहेंगे उतना कहीं ना कहीं आपको अपने ड्रीम्स पर बिलीव ज़्यादा रहेगा, और एक कंपनी अच्छी रखी होगी, तो मैं यही कहूँगी, और सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, चाहे आप 100 बार एग्ज़ाम में फेल भी हो जाएँ, फिर भी कभी तो आएगा जब आप पास होंगे। थैंक यू मैम समय देने के लिए।